यू थैंक यू। चलो बहुत बहुत मुबारक हो, एंजॉय करो आज का दिन। ओके, ओके ये वुमेन्स को भी, इस वुमेन को भी कर देता है वुमेन्स डे बाबू। हैप्पी वुमेन्स डे। राज बच्चू ने पापा को छोने नहीं दिया है, पूरी जगह पे कब्जा कर लेती हो। अभी पापा के बेड पे भी कब्जा कर लिए आके। चलो कोई बात नहीं, तुम सो जाओ। साबुन? हाँ पापा के लिए। अभी काढ़ा लेके जाऊंगी ना, तब दे दूंगी। हाँ अभी काढ़ा चढ़ा के योगा करूंगी। नहीं मिले? बाथरूम में भी नहीं है? कहाँ गायब हो गए? गिली गिली छू करो। अब ढूंढो। नहीं बेटा, पापा ऑफिस गए, आप सो रहे थे। पापा जस्ट अभी 10 मिनट हुआ है, पापा ऑफिस गए। आपने कल पापा को कहा हमारे साथ सो, लेकिन पापा को कल आपने जगा ही नहीं दिया। पापा पता है ऐसे लटके हुए थे वहां पे, और आप मम्मा को भी जोर जोर से लात मार रहे थे। मम्मा को भी नहीं सोने दिया था आपने। आपकी नींद पूरी हुई थी? बताओ ना, पापा की नींद पूरी हुई ना, आपकी नींद पूरी हुई ना, मम्मा की नींद पूरी हुई? इसलिए पापा को यहीं सोने दिया करो। आप भी आराम से सोओगे, मम्मा भी आराम से सोएंगे, और पापा तो सोएंगे ही। पापा को ऑफिस जाना होता है ना, पापा की नींद पूरी नहीं होगी तो पापा थकान थकान फील होगा ना पापा को। हाय एवरीवन, मेरा नाम है आरती, वेलकम बैक। अभी बज रहे हैं 9:15, पूरे 9:15 नहीं बजे हैं, लेकिन 9:15 ही हम बोलते हैं, 9:15 बज रहे हैं। मैंने काढ़ा चढ़ा दिया है, हस्बैंड ने जाते जाते मुझे इंस्ट्रक्शंस दिया कि अभी थोड़ा टाइम है तो आप योगा कर लो, पर ये मैडम जाग गई है, इसको प्रॉब्लम होती है मेरी योगा से। हाँ कल मेरी कंघी का जो मैं कहानी बता रही थी, मैं बताना चाहूंगी कि वो मेरी जो कंघी है ना, वो 10 साल पुरानी कंघी है। मतलब एक दशक, हिंदी में 10 साल को एक दशक कहते हैं, तो एक दशक की मेमोरीज हैं उस कंघी के साथ। परसों वो घूम गई थी तो मैं ढूंढ रही थी कहाँ गई कहाँ गई, और मैं इतनी चिढ़ गई थी ना, मेरे बाल खुले हुए थे और मुझे बाल को सुलझाना था। कोई दूसरी कंघी जो इसके पापा की है, वो थोड़ी सी अटकती है, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था। बट लकीली कल मिल गई मुझे, तो मुझे याद आया कि ये कंघी कितनी पुरानी है यार। कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है ना आपकी लाइफ में, आप उसको यूज करते रहते हैं, वो आपके साथ चलती रहती है, लेकिन आपको ध्यान ही नहीं आता है कि यार ये कितने टाइम से हमारे साथ है। तो उस कंघी की भी यही कुछ कहानी है। मुझे याद है कि मेरी दीदी जी कॉम यूज किया करती थी, तो मैं कभी कभी उसकी कंघी यूज़ कर लिया करती थी। जब वो नहीं होती थी तो मैं उसके कंडीशनर्स में, उसका क्रीम, मैं उसकी लिपस्टिक्स, उसकी कंघी यूज़ किया करती थी, तो उसको कभी कभी कुछ कुछ पता चल जाता था। तो मुझे उसने डांटा, मुझे उसने कहा स्ट्रिक्टली कि देख तू ना मेरी सामान को इस्तेमाल मत किया कर, मेरी कंघी तो बिल्कुल नहीं छुआ कर। तो मुझे दिल पे लग जाता था। उसके बाद मैंने ये कंघी परचेज की थी। एग्जैक्टली कितने साल पुरानी है वो तो मैं नहीं जानती, पर हाँ एक दशक पुरानी, मोर देन 10 ईयर्स का साथ है हमारा। और मैं शुरुआत से ही ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, जो चीज़ें हमारी पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड हो, जैसे कि आपकी कंघी वो एक चीज़ होती है, आपका टॉवल एक चीज़ ऐसा होता है, तो आप इन्हें कभी किसी के साथ शेयर मत करिए। तो मैं अपनी जो कंघी है कभी किसी के साथ शेयर नहीं करती हूँ, और हफ्ते में 2 बार उसको साफ जरूर करती हूँ। पानी गिर जाएगा? अरे भैया पानी गिर जाएगा। चलो बॉटल को सिंक में डाल के आओ, वो उसका वो कैप भी, बॉटल।
सब्जी। अब मैं जा रही हूँ रोटी बनाने। आज मुझे इसका बर्नर चेंज करना है। As you can see, ये इसका जो बर्नर है इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, ये काफ़ी टाइम पहले से है, इसमें भी हल्की फुल्की थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है, तो आज मुझे इसको ठीक करवाना है। बर्तन वगैरह हल्के फुल्के थे वो धो लिए हैं। अब मैं जा रही हूँ तैयार होने, और ये जो है साड़ी आज मैं पहनूंगी। और आप सोच रहे होंगे कि आज मैं साड़ी क्यों पहन रही हूँ, बिकॉज मेरे हस्बैंड का कहना है कि मुझे साड़ी पहनने का बहाना चाहिए। एक्चुअली मेरे पास काफ़ी सारी साड़ियाँ हैं, अब अगर पहनूंगी नहीं तो पड़े पड़े बस रखा रह जाएगा। हम वैसे भी कहीं बाहर जाते नहीं हैं, और ये जो साड़ी है ना, ये एक्चुअली आपको याद होगा बहुत टाइम पहले, बहुत साल पहले एक वूनिक करके एक ऐप था, अभी है या नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन ये साड़ी मैंने वहाँ से लिया था, वूनिक से। जब मैं यहाँ आ रही थी तब मेरे बैग में मतलब ये एक साड़ी थी, तो मुझे अच्छा लगता है येलो कलर। तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने। सेलिब्रेशन के लिए बड़ी खुशियों का इंतज़ार करते हैं और छोटी छोटी खुशियों को नज़रअंदाज करते जाते हैं। आज का दिन जो है वो वुमेन्स डे का है, और अक्सर ऐसा मैंने देखा है कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं अपनों से कि उन्हें स्पेशल फील कराया जाए, और इस बात को वो नज़रअंदाज करते हैं कि वो खुद को कितनी अहमियत और कितना वैल्यू, कितना टाइम दे रहे हैं। आज मैंने साड़ी अपने लिए पहना है क्योंकि मुझे साड़ी पहनना पसंद है। तो मैं अपने लिए क्या करती हूँ, मुझे इस बात से खुशी मिलती है। आज मैंने मीठा भी बनाया था और साड़ी पहनी थी। हस्बैंड एक्चुअली चॉकलेट लाना भूल गए थे, पर उन्होंने सुबह विश किया और वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।
और सिर्फ वुमेन्स डे ही नहीं जिसमें आपको दूसरे औरतों को अपने आप को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, इस बात का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए कि हम सबको हमेशा इम्पोर्टेंस दें।